ऐसे लोग सिगरेट सुन रही है क्या? कहा बड़ा जोर से बोले, कम सुनाई देता है मुझे। आगे आग, सिगरेट जलानी है। अच्छा, तुम्हें कोई गैस का चूल्हा तो मेरे पास आग है। ये घर है ना, यहाँ पे बावर्ची खाना भी होगा, माचिस भी होगी, क्या दो लो। अच्छा, तो मैं तनख्वाह आपसे अंदर माचिस ले और आप सिगरेट। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है चौकीदार? साफ फरमा रहे हैं आप अंदर जाएं, माचिस ले आए और ये सिगरेट सुलगाए। इन लोगों से ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जाओ भाई जाओ, आप अपने काम करो, आगे जाओ, अपना रास्ता नापो। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? माचिस देनी तो दो वरना कोई बात नहीं। और ये आप मुझसे तुमसे बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो बाकर भाई को? बाकर भाई, ये नाम तो नहीं सुना ना? सुनोगे? इधर आओ। क्या बात है मैडम? कुछ लोग हैं, ना मालूम क्या चाहते हैं। आप चाहिए मौसूफ को सिगरेट जलाने के लिए। ठीक है, तुम उसे अंदर भेजो। इन्हें आने दें, जाए अंदर। यू स्टे यार। आपका नाम? बाकर, बताया था मैंने आपको, इलाके में लोग मुझे बाकर भाई के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा नाम है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि ये नाम मैंने नहीं रखा। जाहिर है, कोई भी अपना नाम खुद नहीं रखता। बच्चे जब पैदा होते तो उनके नाम उनके वालदेन रखते। आपने किसी का नाम रखा है? हाँ, मेरी भी तीन बेटियां हैं, शाजिया, नाजिया, नीलो। यही मेरी कुल कायनात है जिन्हें मैं लेकर इस मोहल्ले में आई हूं। आप लोगों के भरोसे पे, मुझे उम्मीद है आप मेरा भरोसा कायम रखेंगे। क्या मैं इस औरत पर भरोसा कर लूं? नहीं, ये सच नहीं बोल रही, मुझे तो बिल्कुल ड्रामा लगती है, बल्कि फिल्म। इस मोहल्ले में तो इसे ये लाइटर कैसे? बहुत जबरदस्त फैंसी। चौकीदार ने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? यकीनन की होगी, वो सारा मुख्तलिफ किस्म का आदमी है, ज्यादा कल्चर्ड भी नहीं है। बहुत जल्द मैं उसकी छुट्टी करने वाली हूं। मैं चलता हूं। ये लाइटर आप रखें, अगर आप नहीं लेंगे तो मेरी दिल शिकनी होगी। प्लीज रखिए। थैंक यू। कहीं इन्हें छोड़ के अल्लाह। एक मशवरा है आपका, एक लाइटर उसको चेन से बांध के गले में लटका दो, जिसमें पट्टा होता है। पट्टा
अच्छा भाई क्या कर रहा है ये? जी बारे में हुक्म बाल ऑफ कर दो इसके चांद बना दो पूरा जी बेहतर बहुत ही खूबसूरत सा चांद बनाना इसे ताकि देखने में अच्छा लगे आजकल गंजा होने का फैशन चल रहा है चौकीदार और फिर हम कोई तुम्हारे गले में पट्टा तो नहीं डाल रहे ना वारिश शुरू हो जाओ जी बेहतर बाल बनवाए जा रहे हैं अगर आपको भी शौक है तो बैठ जाए सीट पर आपकी भी बारी आ जाती है ये सब कुछ मुझसे नहीं देखा जा रहा आपसे कौन कह रहा है कि आप देखें है? चले इधर से चले शुरू मुझे भी साफ कर दो नहीं मुझे रहने दो ये लो लेटर और अब जब कभी आऊं तो मेरी सिगरेट जला दिया करना समझे जी जी समझ गया पानी मिल जाएगा वारिस इसे और उसके मैनेजर को ठंडी बोतल पिलाओ जी ये उसने किया है जिसको बाकर भाई कहते हैं जी वालेकुम सर वालेकुम सलाम थैंक यू सर आपको पता चला होगा अहमद साहब का इंतकाल हो गया है जी सर वो आज ऑफिस आके पता चला मुझे भी आज ही पता चला है बड़ा अफसोस हुआ जी सर बहुत अच्छे आदमी थे जी हाँ कोई शक नहीं बड़े आदमी थे लेकिन सुना है एड़ियां रगड़ते हुए इंतकाल कर गए कि बाप जिंदगी भर कोशिश करता रहा लेकिन 17 ग्रेड से 18 ग्रेड में जा ना सके सर वैसे ये स्टेटस भी बड़ी अजीब चीज है इंसान सारी जिंदगी इसी तंग दो में गुजार देता है एनीवे आप खुश नसीब हैं आलम साहब कि आप 18 की ओवर में हैं और वैसे भी कमाल साहब 2 हफ्ते बाद रिटायर हो रहे हैं और जाहिर है आप फुल फ्लैश सेक्शन अफसर होंगे सर ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है सर लेकिन मुझे डर है आलम साहब कि मेरी कोशिशों पर पानी ना फैल जाए और कहीं ऐसा भी ना हो कि आपकी तरक्की के रास्ते में आपकी बनाई हुई दीवार खड़ी ना हो जाए मैं समझा नहीं सर किसी आदमी के बारे में ऊपर से कंप्लेंट आई है जिसमें आप डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं जी क्या आपका छोटा भाई बाकर है हमारी ये बदमाशियां खत्म होंगी या नहीं
मैं तुमसे कह रहा हूँ बाकर, ये कब तक चलेगा? मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ, मेरा एक मकाम है, इज्जत है दफ्तर में, सोसाइटी में, 10 आदमी पहचानते हैं, सलाम करते हैं मुझे। क्या तुम मेरे मकाम से वाकिफ हो? और ये तुमने किसी का सर भी मुड़वाया था? आकर तुम चाहते क्या हो? सारा दिन आवारा लड़कों को लेकर घूमते हो, डराते हो दूसरे लोगों को, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? और ये उल्टे सीधे कपड़े पहनकर किसके पर जमाते हो? और ये हाथ में क्या पहना हुआ, क्या पहना हुआ ये? उतारो उसको। न किरदार अच्छा और न ड्रेसिंग अच्छी। क्या ये बातें किसी और वक्त नहीं हो सकती? कम से कम इसे खाना तो खा लेने दीजिए, और आप भी खाना खाइए। क्यों इतना मूड ऑफ करते हैं? ये इस तरह की हरकतें करेगा तो मेरा मूड कभी ठीक नहीं होगा। आइंदा मुझे इसके साथ खाना मत दिया करो। ये बातें किसी और वक्त कर ले। कोई और वक्त पता नहीं कब आएगा। लगता है ये ना तो मुझे तरक्की करने देगा और नौकरी। तंग आ गया हूं मैं इसकी हरकतों से। ये मेरी इज्जत के पीछे पड़ गया है। निकला तो रहेगा मुझे ये। उनका मूड अभी सही हो जाएगा। तुम खाना खाओ, मैंने अपने हाथ से बनाया है। मैं नहीं खा रहा। प्लीज तुम खाओ तो सही। भाभी की याद का नहीं खाऊंगा तो और किसी याद का खाऊंगा मैं? तुम ऐसा करो ना, भाई को बना के ले आओ। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम खाना खाना। क्यों, तुम्हें चल लेते हैं? बहुत गर्मी, मैं नहीं सोच सकता। इस होटल में पंखा भी तो है। फैन लगने से कमरा एसी नहीं हो जाता। मामू का रवैया तो पहले गलत था ही, लेकिन इस वक्त उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत हरकत की है। घिन आ रही है मुझे उनसे। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। अल्लाह आप सो जाए। अल्लाह मुझे कुछ हो रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है मुझे। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें। तुम भी ना उस शख्स के लिए मरती हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। सो जाओ, मरो मत, आती हूँ लेके। मामू, ए मामू, ये क्या हरकत है भाई? क्या है मैम? मानी को छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए हो तुम? जी घबराता है मेरा। इसलिए कि वो बीमार है? हाँ? मुझे गर्मी लगती है। यहाँ तो जैसे एयर कंडीशन में सो रहे हो तुम। उठो चलो अंदर। मैं कह रही हूँ अंदर चलो ना। कहाँ जाऊँ? मानी के कमरे में, और कहाँ अंदर, अपने कमरे में। वहाँ नींद नहीं आती है मुझे। क्यों नींद नहीं आती है? वो जो है ना, वो तुम्हारी मानी सारी रात कराहती रहती है। वो खुद सोती है, ना दूसरे को सोने देती है। तुम्हें नींद आए या ना आए, सोना तो नहीं, समझे? उठो चलो।
चलो उठो ना, उठाओ तकिया, चलो अंदर। क्या कर रहे हैं दरवान भाई, और ये सर का क्या हाल करवा दिया? वो जी दरअसल बालों में खुश्की हो गई थी ना, इसलिए सर कटवा दिया। अब सुकून की नहीं देता हूँ जी। आप क्या समझते हैं, हमें नहीं मालूम कि आपका ये असर किसने किया। लोग आपको घसीट कर ले गए और आप कुछ बोले ही नहीं, बुजदिल कहीं के। वो जी मैं बुजदिल थोड़ी हूँ, मैं वो किसी से कम भी नहीं हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ जाए ना तो किसी को नहीं पकड़ेगा। हाँ, एक मरतबा डीएसपी को मैंने डांट पिला दी थी। डीएसपी को डांट दिया, शक्ल देखिए डरपोक कहीं के। वो जी मैं डरपोक थोड़ी हूँ, बहादुर हूँ मैं, बहादुर। हाँ डरपोक है आप, बुजदिल जी। हाँ मैं डरपोक हूँ जी। कल के लोगों ने मुझे पकड़ कर मेरा सर बनवा दिया, कुछ न कर सका और मैं कुछ न कर सका। सारी रात परेशान रहता हूँ जी, नींद की ये हालत देखकर जी मुझे नींद भी नहीं आती जी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आप दिल मेला ना करें, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी जी? हाँ कहानी। हाँ जी आप सुनाए जी। किसी मुल्क में एक आदमी रहता था, वो एक दिन चिड़िया ने ना उसके सर पे बीट कर दी। उस आदमी ने पता क्या किया, अपना सर मुंडवा दिया। कितना बेवकूफ था ना, बीट हटवाने के लिए अपना सर मुंडवा दिया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके सर की जगह तरबूज की तरह की टिन निकल आई। कौन है? मैं भागर भाई। क्या बात? तुम अच्छी तो ना? इतनी रात गए आप मेरी खैरियत पूछने आए हैं? नहीं वो मैं मोमानी की खैरियत पूछने के लिए आया था। मैं देख सकता हूँ ना? जी नहीं आप उन्हें नहीं देख सकते, आप प्लीज इधर से लौट जाएं। मुझे मालूम हुआ था कि आप शाम को भी उनकी खैरियत मालूम करने आए थे। हाँ सीरियस मरीज है तो उन्हें देखना पड़ता है, फिर मोहल्लेदारों की बड़ी फिक्र रहती है मुझे ऑल द टाइम। एक बात पूछूं, मुझे मालूम हुआ है आज आप मेरे ऑफिस भी गए थे। हाँ क्यों? चार पांच दिन से तुम्हें दफ्तर आते आते देखा नहीं, तो मैं आज दफ्तर के सामने से गुजर रहा था, चला गया। पता चला कि तुम छुट्टियों पे हो, मैंने सोचा कोई सीरियस मामला होगा तो मैं आ गया पूछने के लिए, और यहाँ इस वक्त इसीलिए आया हूँ मैं। एक बात बताएं आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? हाँ क्यों गए थे आप वहाँ? वो बताया ना कि मोहल्लेदारी की बात थी और मुझे फिक्र थी, तो खासतौर पर लड़कियों की खबर रखना तो मेरा फर्ज बनता है। एक दर्द है मेरे अंदर। ये अपना दर्द लेके ना अपने घर जाए, जाके सो जाए। अच्छा वो मुइन साहब कैसे? ठीक है, और कोई बात? शादी कब हो रही है दोनों की? बहुत जल्द, और जब होगी ना सबसे पहले कार्ड आपके घर पहुंचेगा। और कुछ? ये मोहल्ले में जो लोग आए वो मैडम उन्हें जानती हैं? नहीं मैं किसी को नहीं जानती, और ना मुझे जरूरत है किसी को जानने की। आप पता है क्या उन लोगों के अंदर एक पुरसरार किस्म सी क्यों छुपी हुई? क्यों? क्या मतलब? मतलब क्यों, मतलब क्यों खोजना तलाश करना क्यों? दूसरे के अंदर तो आप क्यों खोज रहे, आपके खुद के अंदर भी तो इतना बड़ा सा क्यों है, उसके बारे में कभी आपने सोचा है? क्यों? पानी मिल जाएगा ग्लास? मैं आपसे कह रही हूँ आप जाएं यहाँ से, खुदा हाफिज।
जब कोई पानी मांगे तो उसे कैसे भी लेते जाओ, कभी कभी घर भी चले जाया करो। ये क्या बात हुई, तीन आदमी मूर्ति बने होटल में बैठे रहते, आदमी ना हुए तो बोट हुए। गुड एडवाइस, आई विल थिंक अबाउट दैट। खुदा हाफिज। कैसेट आ गई, लगा दो। अभी लगाता हूँ बाकर भाई। बाकर भाई, मूना ने कैसेट वापस कर दी क्या? तो क्या बाजार से लिए? मैं तो उससे कहा था ना, वो लड़की मेरी तरफ झुक रही है। झुक रही है बाकर भाई, बिल्कुल झुक रही है। सुबह तो दूर हो गया ना। क्या बात है। दवाई खाई आपने? हाँ, खा ली। कहाँ खाई? चार गोलियां थी इसमें, चारों की चारों यूं ही पड़ी हुई। अरे नहीं खानी दवाई, तंग आ गई। दवा खा के नहीं खाना मुझे। तो फिर क्या करोगी? बगैर दवाई की बीमारी नहीं जाती है। ना जाए, मैं जीना नहीं चाहती। बस चिंता करो, मुझे सहारा देकर बाबा के पास ले चला, अपने नाना के पास। मानी, जिद क्यों कर रही हो आप? आपसे उठा तो जा नहीं रहा है, आप वहां तक कैसे जाएंगी? हर बात का जवाब ना पूछा करो, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। मुझे नाना खुदा के। मेरी छठी हिस कह रही थी कि हमारी बहू हमें याद कर रही है। या अल्लाह, कैसी हो बहू? अच्छी नहीं हूं बाबा। बाबा आपका बेटा मुझसे अच्छा सलूक नहीं कर रहे। मैं जानता हूं बेटा, सब कुछ जानता हूं। इसीलिए मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं बेटा, मुझे माफ कर दो। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? औलाद की गलतियों का खमियाजा वालदेन को भुगतना पड़ता है बेटी। नहीं बाबा, आप ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए बाबा। आप सिर्फ मुझे दुआ दीजिए बाबा, दुआ दीजिए बेटा। दुआएं तो मैं हमेशा तुम लोगों के लिए किया करता हूं, हमेशा किया करता हूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या शोर मचा रखा है? और चुप हो गए, मुझे देखते चुप हो गए हैं? क्या चमनी चमनी पढ़ो। और वो हिना किधर है बाबू? हिना कहाँ है? फातिमा माजी, हिना कहाँ है? वो बाबा, हिना की तबीयत आज खराब है। तबीयत खराब है तो है कहाँ आखिर? वो दादा के पास होंगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग पढ़ो पढ़ो, मैं आता हूं। पढ़ो दादा जान, देखें मैंने कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है। मैं इसे सजा के दुल्हन बनाऊंगी। अच्छा भाई, फिर तो इसके लिए दूल्हा भी ढूंढना पड़ेगा। अब ये तुम बताओ, किसके लिए दूल्हा जो हो वो कोई सरकारी अफसर हो या वकील हो या कोई बड़ा डॉक्टर हो? हाँ।
और छुपेगी तो तेरी जान में जाएगी। चल बुढ़िए से खेले, बुढ़िए से चल बाबू पढ़ो। आगे, आगे, ये शख्स मुझे किसी ऐसे फैसले पे मजबूर कर देगा जो मैं खुद करना नहीं चाहता। तुम क्या खबर कर आज जब पढ़ा दूसरे भी पढ़े ऐसा पढ़ चलो ये क्या ये अंगूठिया पहनकर क्या पढ़े आगे आगे भी तो बोलो। What is he? क्या लिखा है तुमने? चलो है ना? पापा ये कठिन से क्या उठाएंगे? गठरी या चोर उठाता है या मुसाफिर। मैं चोर तो हूं नहीं, हां सफर की तैयारी है। मैंने तुमसे कहा था शौकत कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, सो वही कर रहा हूं। आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं हमेशा के लिए। ये कैसी बात ही कर रहे हैं पापा? इतनी रात को इस वक्त आप कहां जाएंगे? ये तो मुझे नहीं पता नहीं, लेकिन जब जाना ही है तो दिन क्या और रात क्या तुम अपना रवैया नहीं बदल सकते, और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। दादा घर छोड़कर चले गए।